आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में भी सब कुछ जायज है। अभी आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ पेपर हो या न्यूज़ चैनल हो, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी छोटी बहू बीजेपी को ज्वाइन कर सकती है। क्या कर सकती है? बीजेपी में जा सकती है। तो देखिए, इसके कई उदाहरण आपको पहले से भी मिल जाएंगे। आप लोग देखिए, मेनका गांधी को आप देखिए, गांधी ही परिवार के हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो बीजेपी में है, और दूसरी तरफ सोनिया गांधी है, वो कांग्रेस में है। तो इस तरह के देश में कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। देखिए, जहां जिसे सूटेबल लगता है, जिसे जहां अच्छा लगता है, उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। उसकी विचारधारा भी कोई मायने नहीं रखती है, और ना ही उसका देखिए कोई परिवार बाद भी मायने रखता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी, जिन्हें आप लोग साधना गुप्ता के नाम से जानते हैं, आप लोगों को दिखा भी देते हैं। देखिए, आप देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव हैं, और ये अपर्णा यादव हैं, और ये उनके पति हैं। ठीक है, प्रतीक यादव। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये अपर्णा यादव के बेटा प्रतीक यादव हैं। और याद रखिए, जो मुलायम सिंह की दूसरी बीवी है ना, उनके बेटे हैं साधना गुप्ता के। क्या है? साधना गुप्ता के बेटा है। और पहली बीवी का नाम मुलायम सिंह यादव की मालती देवी था। ठीक है, और याद रखिए, इनके मुलायम सिंह के बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है, तो आप लोग बायोग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये मुलायम सिंह यादव हैं, और ये आप देखेंगे अपर्णा यादव आपको देखने को मिलेंगी, और ये आपको देखने को मिलेंगी कौन? साधना गुप्ता। और ये बगल में आपको देखने को मिलेंगे मुलायम सिंह यादव। तो इन्हीं की बहू हैं आपकी अपर्णा यादव। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देखिए राजनीति दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और कई राजनीतिक जो भी टिप्पणीकार होते हैं, उनका कहना तो यहां तक है कि जो दिल्ली की सत्ता होती है, इसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखेंगे लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण राज्य राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। और एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब वापस आते हैं हम लोग अपर्णा यादव की कहानी पर। तो आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, एक कौन है? अपर्णा यादव। और अगर हम लोग इनकी बात करें तो अपर्णा यादव का जन्म होता है 1 जनवरी 1990 में, और आप देखेंगे इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। और इनके पिता की बात करें तो अरविंद सिंह बिष्ट, इनके पिता का नाम, जो पेशे से पत्रकार थे, और इनके ससुर यानी कि फादर इन लॉ, आप सभी जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव हैं, और इनकी सासू माँ साधना गुप्ता हैं। ठीक है, और अखिलेश यादव इनके ज्येष्ठ हैं, और आप देखिए जेठानी आप लोग कहिए, जो डिंपल यादव देखते हैं ना, अखिलेश यादव की वाइफ, वो इनकी जेठानी है। इनके पति की बात करें तो प्रतीक यादव, जो आप सभी जानते हैं कि जिम चलाते हैं और रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते हैं, इनके पति अपर्णा यादव के और मुलायम सिंह के दूसरे बेटे। इनकी इन प्रतीक और अपर्णा यादव की एक बेटी है दोनों की, इसका नाम है प्रतिमा। ठीक है, और शिक्षा की बात करें अगर हम लोग अपर्णा यादव की, तो लॉरेटो कन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज लखनऊ से ये अपनी शिक्षा लेते हैं। उसके बाद राजनीति विज्ञान, आधुनिक इतिहास और अंग्रेजी में ग्रेजुएशन करते हैं, और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री लेते हैं। और आपको बता दूं कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय में 9 साल तक शास्त्रीय संगीत में शिक्षा भी ली हुई है, और आप जाएंगे कि जानेंगे कि लोक गायिका भी हैं, इन्होंने कई बार सापा के कैंपियन के लिए गाने भी गाए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं अपर्णा यादव की क्या क्या शौक हैं। व्यवसाय की आप लोगों को बात बता चुका हूँ, लोक गायिका है, राजनेता भी बन चुकी हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आपने देखा होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने चुनाव भी लड़ा हुआ था। इनके शौक की बात करें तो घूमना इन्हें इनका शौक है,
और कई यूरोपीय कंट्री यानी कि देशों की यात्रा भी कर चुकी हैं। अभी तक अगर हम लोग बात करें तो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। कल क्या हो किसी नेता के बारे में हम लोग नहीं कह सकते, वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। आप लोगों ने कभी सोचा था कि मायावती और मुलायम सिंह कभी मिलेंगे? आप लोगों ने महाराष्ट्र में कभी सोचा था कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे कभी मिलेंगे? तो ये देखिए, राजनीति कुछ भी हो सकता है। राजनीति में आप देखेंगे तो 2017 में लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। और आप सभी जानते हैं कि विधायक का चुनाव जो होता है, विधानसभा सदस्य का जो चुनाव होता है, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है उसे। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आपका भी वोटर आईडी में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग विधायक के लिए विधानसभा में चुनाव भी करते होंगे। और अगर आप लोगों को विधायकी का चुनाव लड़ना है यानी कि एमएलए का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट निर्वाचन क्षेत्र से 33,796 वोट से रीता बहुगुणा जोशी ने हरा दिया था, जो बीजेपी बीजेपी की कद्दावर नेता थी। ठीक है, पहली बार ये विधानसभा चुनाव में उतरती हैं और पहली बार इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। वह एक संगठन भी चलाती हैं बी अवेयर के नाम से, और वह विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के प्रति काम भी करती रही हैं। और अपर्णा ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति महत्वपूर्ण योगदान भी दिया हुआ है। और आप देखिए, मुलायम सिंह के घर की बहू होने के बाद भी बीजेपी का कई बार वो तारीफ भी करती रही है, योगी आदित्यनाथ की हो या फिर आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की हो। सबसे पहले आप देखेंगे इनके बारे में, तब 2014 में आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था और नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा नए नए प्रधानमंत्री बने हुए थे, तो इनकी प्रशंसा की थी इन्होंने, किसने? अपर्णा यादव ने। और उस समय ये सुर्खियों में आ गई थी, तो इसलिए कुछ भी संभव भी हो सकता है कि ये ज्वाइन कर ले बीजेपी। क्या होगा ये तो आप लोगों के करंट से जुड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग न्यूज़पेपर हैं आजकल, सोशल मीडिया है और यूट्यूब पर आप लोग देखते रहते हैं कई न्यूज़ चैनल, तो आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू की यही कहानी है। और आपको बता दूं कि मुलायम सिंह की दो शादियां हुई हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। पहली जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था मालती देवी, और उनसे अखिलेश यादव को जो आप लोग देखते हैं ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये उनके बेटे हैं मालती देवी के और मुलायम सिंह के। और मुलायम सिंह दूसरी शादी करते हैं साधना गुप्ता से, और साधना गुप्ता और मुलायम सिंह के बेटे हैं प्रतीक प्रतीक यादव, और प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए किसी और नेता के बारे में बात करनी है तो बताइए, उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। फिलहाल आप लोग एंजॉय करते रहिए, राजनीति को देखते रहिए, देश की राजनीति में क्या क्या देखने को मिल सकता है। मुझे तो लगता है कि कभी ये भी जरूरत पड़ी कि कांग्रेस और बीजेपी को मिलना पड़े तो वो भी एक तरह से संभव हो सकता है हमारे देश में। सबसे पहले आप देखते हैं कि राजनीति में नेताओं के लिए कुर्सी ही जरूरी रहती है, और इसीलिए आप देखते हैं कि अपनी विचार अपनी एक तरह से विरुद्ध विचारधारा की नेताओं से भी कोई भी कभी भी गठबंधन कर लेता है कुर्सी बचाने के लिए। ये है हमारे देश की विडंबना, कहिए या देखिए कड़वी सच्चाई कहिए राजनीति की।